नमस्ते निवेशकों, मैं हूं अनुभूति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब सीरीज में जिसका नाम है मार्केट पुराण बाय मिश्रा जी। एक कंपनी की तरफ से कई तरह के कॉर्पोरेट एक्शंस की अनाउंसमेंट की जाती है जिनका असर हमें उसकी शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलता है और उन्हीं में से एक है डिविडेंड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कंपनीज अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिविडेंड अनाउंस करती हैं। जैसे रिसेंटली वेदांता ने 19.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर का अपना सेकेंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया। डिविडेंड जो है वो परसेंटेज में भी अनाउंस किया जाता है, जो कि शेयर की फेस वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे वेदांता की फेस वैल्यू है 1 रुपीज पर शेयर और उस बेसिस पर उसका ये डिविडेंड पे आउट है 1950% का। अब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर बार डिविडेंड पे करे। यदि कंपनी को लगता है कि उस कैश का बेटर यूटिलाइजेशन बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ के लिए किया जा सकता है तो कंपनी उसे वापस बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकती है। डिविडेंड कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया जाता है और फिर एक टाइमलाइन के बाद डिविडेंड इन्वेस्टर्स को पे किया जाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस कंप्लीट टाइमलाइन। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, यानी वो डेट जिस दिन कंपनी की AGM होती है और कंपनी का बोर्ड डिविडेंड इशू के लिए अप्रूवल देता है। तो जिस दिन कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, दैट इज डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड डेट, यानी जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर रजिस्टर को चेक करती है और एलिजिबल शेयर होल्डर्स को लिस्ट डाउन करती है। यानी इस दिन यदि आपका नाम शेयर होल्डर रजिस्टर में है तभी आप डिविडेंड पाने के हकदार हैं। एक्स डेट या एक्स डिविडेंड डेट, ये जनरली रिकॉर्ड डेट के एक दो दिन पहले सेट की जाती है। तो इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि उन्हें डिविडेंड मिले, उन्हें एक्स डिविडेंड डेट के पहले शेयर बाय करना होता है ताकि T+2 डे की सेटलमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड डेट तक उनका नाम शेयर होल्डर रजिस्टर में हो और उन्हें डिविडेंड मिल सके। और फिर है डिविडेंड पे आउट डेट, जिस दिन फाइनली डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। अब जो डिविडेंड है वो दो तरह के हैं। एक तो जैसे एग्जांपल में है इंटरिम डिविडेंड, यानी जो कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अनाउंस करती है और इसे शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के साथ वापस भी लिया जा सकता है। और दूसरा है फाइनल डिविडेंड, जो ईयर एंड में बुक्स प्रिपेयर होने के बाद अनाउंस किया जाता है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक पॉइंट और जो ध्यान में रखें कि यूजुअली एक्स डिविडेंड होने पर शेयर की प्राइस जितना डिविडेंड पे किया है उतनी गिर जाती है, जिसका रीज़न ये है कि अब वो अमाउंट जो डिविडेंड में पे कर दिया है इट नो लॉन्गर बिलोंग्स टू द कंपनी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, साथ ही सीरीज़ की दूसरी वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हैं। और रिसर्च वाली ब्रोकरेज सर्विस चाहिए तो ओपन योर अकाउंट विद स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।